हेलो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं यूटेरिया का जो 5000 का प्रैक्टिस सेट है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 और 14 को देखेंगे, जो कि टोटल क्वेश्चन रहेगा 100। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? यह करता है शैवाल करता है। नेक्स्ट है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? यह होता है अग्नाशय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन डीएनए में नहीं पाया जाता है? यह यूरेसिल हो जाएगा, जो डीएनए में नहीं पाया जाता है, जबकि एडिनिन, थायमिन और साइटोसिन जो है डीएनए में पाया जाता है। यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी, यह लिखी जाती थी किस तरह से? तो पहली पंक्ति बाईं से दाईं ओर और दूसरी पंक्ति जो थी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, सॉरी पहली पंक्ति जो है यह दाईं से, पहली पंक्ति जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, दूसरी पंक्ति जो है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम वह संगीति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई हो जाएगा। घेरे की नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक कहा जाता है वॉरेन हेस्टिंग को। वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना किया गया था 1939 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? स्थित है अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। चलिए इसे मिलान करते हैं। कैटबरी या कहाँ की है? यह न्यूजीलैंड। कैटबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड की है। वही पुस्ताज जो है यह है हंगरी, पुस्ताज हंगरी। वेल जो है यह दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? यह था स्वदेशी आंदोलन का। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? यह स्वीकार किया गया 15 अगस्त 1947 कब स्वीकार किया गया पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? यह हो जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? यह व्यस्क मताधिकार, व्यस्क मताधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? यह संबंधित है भाग 11 और अध्याय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? यह किया गया था 21वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे या कौन थे? यह थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? यह करने वाले थे दयानंद सरस्वती। श्रम गहन उद्योग है यह है अधिक श्रमों की आवश्यकता होती है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। निर्धनता की दुष्चक्र की अवधारणा निम्न से किसके द्वारा दी गई थी? यह दिया गया था रेगनर नक्स के द्वारा। वेद त्रय कहा जाता है, वेद त्रय में शामिल है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को कौन दर्शाता है? यह दर्शाता है फिलिपिस वक्र। बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? यह पाया जाता है उत्तराखंड में। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत का क्षरण, ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है बताइएगा, इसमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो व्यक्तिगत कर और निगम कर जो है प्रत्यक्ष कर में आता है, जबकि सीमा शुल्क सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष कर में शामिल है। पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था? या देने वाले थे हैकल, हैकल। पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था? तो हैकल ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है बताइएगा? यह होता है लकड़ी में, लकड़ी में। आप लोगों को पता है कि सर्वाधिक ध्वनि जो चला तो ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है, शून्य होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है?
विद्युत चुम्बकीय तरंग यह अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि कैसा तरंग है, तो यह अनुदैर्ध्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, यह हमेशा सीधा होता है। निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? खाद्य उत्पादन हरित क्रांति, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, उद्यान सुनहरी क्रांति, कुक्कुट पालन जो कि गलत है भूरी क्रांति नहीं होगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य घटते क्रम में बताइएगा, यह हो जाएगा केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, चलिए सुमेलित करते हैं। तिलैया परियोजना, तिलैया परियोजना किस नदी पर है? तो यह बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर है। वही पंचेत बांध जो है यह दामोदर नदी पर है, और बाण सागर परियोजना रावी नदी पर है, बाण सागर परियोजना रावी नदी पर है। वही रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? यह सोन नदी पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। तिलैया परियोजना यह जो है बराकर नदी पर है, पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, बाण सागर परियोजना यह सोन नदी पर है, वान सागर परियोजना सोन नदी पर है, सॉरी उस टाइम कन्फ्यूजन हो गया था। रंजीत सागर बांध परियोजना यह रावी नदी पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न से कौन देश स्थल रुद्ध देश है? यह हो जाएगा पराग्वे, पराग्वे जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न से किस नदी की धारा से बनी है? बनी तंग घाटी है। ग्रैंड कैनियन घाटी किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? यह है या जो है यह है कोलोराडो नदी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति, जबकि एल एम सिंघवी समिति, थुंगन समिति और बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? किस अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? यह किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट है संविधान सभा के निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा में दुर्लभतम दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सी बनाम पंजाब राज 1980। लव असमैस सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? लव असमैस सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है लॉन टेनिस से, लॉन टेनिस से। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में, टाइलर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? यह कहा जाता है तेलुगु भाषा को। सारनाथ के धामिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के धामिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? इसका निर्माण हुआ था मौर्य काल में। चंद्रगुप्त के बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महास्थान अभिलेख से। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? तो बाघ था। चोल वंश का राजकीय चिन्ह बाघ था। पांड वंश का हो जाएगा मछली, वही चेर वंश का हो जाएगा धनुष। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? इसका संबंध बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, यह जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? यह स्टार्ट किया था मोहम्मद गौरी 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। चलिए अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। गजनी साम्राज्य का संस्थापक अल्तगीन था। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी जो था सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी और फारूकी एवं उतबी रहते थे। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। इसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था जो कि गुजरात में है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। इसने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया था और इस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था।
तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था जो कि गौरी और जयचंद के द्वारा लड़ा गया था जिसमें गौरी विजय हुआ था। वही तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था जिसमें चौहान विजय हुआ था। वही द्वितीय तराइन का युद्ध में गौरी विजय हुआ था। हाथी गुफा अभिलेख या जो है कलिंग नरेश खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने बनवाया था। ये होल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन का है। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी का है। भीतरी अभिलेख में चर्चा स्कंद गुप्त का मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को। अब देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को। चलिए इसे देखते हैं। फर्स्ट नंबर है, निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इनमें से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह हो जाएगा वित्त आयोग के अध्यक्ष का। इसका चर्चा किसमें मिलता है, वित्त आयोग के चर्चा 280 में मिलता है, अनुच्छेद 280 में। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, यह हटाया जाता है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है, संकेत इसका नहीं है आय। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी, इसकी राजधानी कहाँ थी, तो यह थी बिहार शरीफ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, इसका स्रोत है जल। ऋग्वेद के नौवें मंडल का संबंध किस देवता से है, इसका संबंध है सोम देवता से जो कि पेय पदार्थ के देवता है। नेशनल हेराल्ड अखबार का संस्थापक निम्न से कौन थे, नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक कौन थे, तो यह थे जवाहरलाल नेहरू। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, यह होता है दो बार अपवर्तन और एक बार कुल आंतरिक परावर्तन। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किसमें किया जाता है, तो रासायनिक युद्ध में, रासायनिक युद्ध में। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे, यह जारी किया गया था हिंद यूनानियों के द्वारा, इंडो ग्रीक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मिलान करने के लिए दिया गया है, चलिए इसे मिलान करते हैं। लोथल, लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे, तो यह थे रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। बनावली के जो थे, यह थे रविंद्र सिंह बिष्ट। मोहन जोद्रो के राखल दास बनर्जी, 1922। रोपड़ के यगदत्त शर्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 3, 2, 4। निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है, अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से किसे जाना जाता है, यह जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। शक्ति के पृथ्वकरण का सिद्धांत किस राजनीतिक विचारक ने दिया था, शक्ति के पृथ्वकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो यह दिया था मॉन्टेस्क्यू ने, मॉन्टेस्क्यू ने। निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, यह मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, तो यह थे एम हिदायतुल्ला। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, यह रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के अध्यक्ष को। परावैगनिक किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों को तरंग दैर्ध्य को आरोही क्रम में सजाएं, आरोही क्रम में सजाना है। इसे सजाने के बाद इसका राइट आंसर आ जाएगा सूक्ष्म किरणें, परावैगनिक किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था, यह आंदोलन हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध। सिंध को कब शामिल किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्षेत्र में, यह शामिल किया गया था 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन ब्रो के समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, अगस्त घोषणा किसके द्वारा की गई थी। चलिए इसे मिलान करते हैं, मिलान करने के लिए दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का आयस्क हो जाएगा टेल्फ, टेल्फ हो जाएगा। पोटेशियम नाइटर, कैल्शियम इसका हो जाएगा फॉस्फोराइट, और मैग्नीज पायरोल्यूसाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, द वे आउट पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, यह प्रकाशित किया गया था सी राज गोपालाचारी के द्वारा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, यह समाप्त हुआ था कौन सी संधि के द्वारा, यह समाप्त किया गया था सालाबाई की संधि के द्वारा। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था, नादिर शाह का आक्रमण किस शासन काल में हुआ था, तो यह हुआ था मोहम्मद शाह के समय, कब, 1739 ईस्वी में। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, यह दिया गया था किसे, यह दिया गया था लाहौर सत्र, लाहौर सत्र में। गुरुत्व कमान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है, यह होता है पृथ्वी के केंद्र में। द्रव्यमान दुगना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, द्रव्यमान को अगर दुगना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर।
चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुगुना हो जाएगा। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? यह गैस हो जाएगा जिनॉन, जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? आर्टिकल 355 हो जाएगा। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह पड़ता है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह जौनपुर में, जौनपुर में। किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस समय हुआ था? यह जो संपन्न हुआ था यह हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था 1822 ईस्वी में? यह लागू किया गया था हॉल्ट मैकेलजी के द्वारा। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति आवश्यकता होती है, स्वीकृति की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? यह हो जाएगा विधानसभा। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है विधानसभा से। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? यह प्रदान किया गया है 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा, 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। विधान परिषद के कुल सदस्यों में कितनी सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? यह होता है कुल सदस्य का 1/12। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? यह हुआ था गुप्त काल में। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? यह हो जाएगा ब्राह्मण, ब्राह्मण। प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या है? यह देखा जाता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रछन्न या छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखा जाता है? तो यह कृषि क्षेत्र में देखा जाता है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है बताइएगा? यह है छिप्रा नदी पर, छिप्रा नदी। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? घुमक्कड़ जनजाति इसमें से कौन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पिगमी, पिगमी। जबकि कजाक, लेपचा और मसाई जो जाति है यह घुमक्कड़ जाति है। मसाई कहाँ पाया जाता है? तो केन्या में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सबसे बड़ा समूह है? यह समूह है भील। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, यह होता है पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ से। 43 नंबर है, निम्नलिखित कौन नदी भूमि बंधित है? कौन सी नदी भूमि बंधित है? यह हो जाएगा लूनी नदी। निम्न से कौन भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरीकरण। जबकि मृदा अपरदन, जैव विविधता में ह्रास और हिमालय में जल स्रोतों का सूखना क्या है? भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव है। कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई? कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई है? इसकी शुरुआत हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल से। सुमेलित करने के लिए दिया गया है, चलिए इसे सुमेलित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा धोबन सोडा। धोबन सोडा का होता है Na2CO3 10H2O। धोबन सोडा का क्या होता है? Na2CO3 10H2O। खाने वाला सोडा का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? NaHCO3। खाने वाला सोडा NaHCO3। विरंजक चूर्ण का हो जाएगा CaOCl और Cl हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4 2H2O। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है किसका? तो बैंगनी का। तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा होता है? तो लाल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो यह पास्कल के नियम पर आधारित है। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी बताइएगा? इसकी खोज की गई थी, इसकी जो खोज की थी यह की गई थी हेनरी बेकुरल के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के अंतर होता है? यह अंतर होता है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। चलिए अब इसका देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट को। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसके ने करवाया था, मतलब पूर्ण रूप से निर्माण? इल्तुतमिश ने किया था। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी का सेना नायक था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था जो ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का
शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली को स्थानांतरित किया था। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इसने तुर्कान ए चहलगानी नामक संगठन बनाया था और इसने एकता प्रणाली को शुरुआत की थी। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने किया था। इसने राज दरबार में सीधा एवं पैवोस प्रथा की शुरुआत की थी। किसने? तो बलबन के द्वारा। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। नसीरुद्दीन मोहम्मद वही है जो अपना जीवन प्रवाह टोपी सिलकर करता था। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।